मॉड्यूल सेवन रोल ऑफ एट इंडिविजुअल लेवल और जब आप एट माइक्रो लेवल एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट की बात करोगे दे आर कंसर्न विद द इशूज रिलेटेड टू रिसोर्स इन प्रोडक्शन कंजम्पन प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन फूड एंड फाइबर सिस्टमशन की बात करोगे आउट फार्मर टू डिसंटिटी ऑफ इनपुटेट करेगा टू डिसपिटल टू प्रोड्यूस आउटपुट फिर इसी पैक्ट पर जब आप कंजम्पन वाली साइड पर जाते हो तो एग्रीकल्चरल इकोनॉमि बेसिकली हेल्प आउट फार्मर टू गिव समिया अबाउट द डिमेंड फॉर इट्स आउटपुट इन द मार्केट और फिर उसके बाद तो आप कह लें जो प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट्स है इन द मार्केट इट ये जो आपके पास एग्रीकल्चर है इट विल विल गिव सम फैसिलिटेट टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट द मार्केट इन दिस प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट विल बी कैरीड आउट इन द मार्केट अब जब आप माइक्रो इकोनॉमिक लेवल पे ये सारी डिसीजन मेकिंग करते हो तो वहां पे आपके पास प्रोडक्शन इकोनॉमिस्ट भी हैं ये प्रोडक्शन इकोनॉमिस्ट हेल्प्स फार्मर टू डिसाइड अबाउट उन्हें कौन सा एग्रीकल्चर आउटपुट प्रोड्यूस करना चाहिए उन्हें क्रॉप्स प्रोड्यूस करनी चाहिए बाय यूजिंग देअर रिसोर्सिस उन्हें कोई लाइफ स्टॉक प्रोड्यूस करना चाहिए अगर उन्हें क्रॉप प्रोड्यूस करनी है तो उन्हें कौन सी क्रॉप प्रोड्यूस करनी चाहिए अगर उन्हें वेजिटेबल्स प्रोड्यूस करनी है तो उन्हें कौन सी वेजिटेबल प्रोड्यूस करनी है ये सारा वो डिसीजन मेकिंग करेगी ऑन द बेसिस ऑफ द प्राइसिस ऑफ आउटपुट एंड इनपुट क्या जी ऑब्जेक्टिव क्या है ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्माइज द प्रोफिट ऑफ द फार्मर और उस प्रॉफिट मेकिंग में ये जो आपका प्रोडक्शन इकोनॉमिस्ट है इट कैन हेल्प द फार्मर टू चूज दूज द राइट आउटपुट बाय यूजिंग राइट क्वांटिटी ऑफ इनपुट टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट फिर इसी पैटर्न पे जब आप मार्केट इकोनॉमिस्ट की बात करते हो कि जो भी एग्रीकल्चर आउटपुट है दैट एग्रीकल्चर आउटपुट इज सोल्ड इन द मार्केट मार्केट इकोनॉमिस्ट हेल्प फार्मर टू अंडरस्टैंड अबाउट द मार्केट इन विच इन विच फार्मर इज सेलिंग इट्स आउटपुट हाँ जी कि मार्केट स्ट्रक्चर वहाँ पे क्या है कि वो जो मार्केट है वहाँ पे आपके पास प्राइस आपकी जो प्राइस है जो आपके पास बायर हैं वो बायर आपके लिए प्राइस मेक करेंगे प्राइस टेकर्स हैं ये बेसिकली वो आपको मार्केट इकोनोमिस्ट बताएगा कि मार्केट इन विच यू वॉन्ट टू सेल यूर आउटपुट इज कम्पेटिव मार्केट आर आर इम कम्पेटिटिव मार्केट और ये सारी जो चीजें हैं उसको हेल्प आउट करेंगी टू डिसाइड अबाउट इन विच मार्केट ही शुड सेल एट्स आउटपुट फिर इसी पैटर्न में जब आप रिसोर्स इकोनॉमि की बात करते हो रिसोर्स इकोनॉमि प्रैक्टिसमेंटली he अब यहां पर ही विल गिव समिस जनरेट रिलेटिव और ये यह और यहां पे आप कह लें उसका ऑब्जेक्टिव होगा टू प्रमोट एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और और वो कर, उसकी कोशिश होगी टू ट्राई टू प्रिजर्व द नेचुरल रिसोर्सेज फिर इसी पैटर्न पे जब आप पॉलिसी इकोनॉमिस्ट की बात करते हो तो ये पॉलिसी इकोनॉमिस्ट जो है दीज आर द बेसिकली गवर्नमेंट प्रोग्राम्स दैट रिलेट्स स्पेसिफिक मोडिटीज और इन जो भी गवर्नमेंट प्रोग्राम्स होंगे इनका ऑब्जेक्टिव यूजली होता है टू द इनकम ऑफ द फार्मर

आप कहें पाकिस्तान के सेटअप में क्या है गवर्नमेंट अनाउंस द प्रोक्योरमेंट प्राइस फॉर द वीट उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है टू तो सिक्योर द इनकम ऑफ द फार्मर कि ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग सीजन देयर इज अ लॉट ऑफ सप्लाई ऑफ सप्लाईट इन द मार्केट कि अगर फ्री मार्केट फोर्सेस की बेस पे आप डिटर्मिनेशन ऑफ द प्राइस करोगे तो इट माइट बी पॉसिबल फार्मर इज नॉट इन अ पोजिशन टू तो कवर इट्स टू तो कवर इट्स एक्सपेंडिचर ऑन द प्रोडक्शन ऑफ वीट अब अगर यहां पे प्रोक्योरमेंट प्राइस अगर अनाउंस कर दी जाएगी इट विल इट विल हेल्प द फार्मर टू स्क्योर हिज इनकम अब जब हम बात करते हैं people, तो पे जब आप एग्रीकल्चर आउटपुट की बात करोगे तो उस एग्रीकल्चर आउटपुट की अगर द मार्केट तो वहाँ पे पॉलिसी इकोनोमिस्ट क्या करेंगे to to वहां पे आप कहें उनके पास कोई सब्सिडाइज सब्सिडाइज कोपन्स दे दिए जाए टू परचेज दैट पर्टिकुलर एग्रीकल्चर आउटपुट के ये जो डिफरेंट आप कह लें आपके पास एक्टर्स हैं एट माइक्रो इकोनॉमिक लेवल दे विल फेसिलिटेट द डिसीजन मेकिंग ऑफ द फार्मर एंड अदर एक्टर्स इन द मार्केट वो अदर एक्टर्स में आपके पास कंज्यूमर्स भी आएंगे और प्रोड्यूसर्स भी आएंगे जब आप कंज्यूमर और प्रोड्यूसर्स को इंडिविजुअल लेवल पर उनकी डिसीजन मेकिंग को इफेक्ट करोगे तो हम कहेंगे कि दिस इज द रोल ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स एट माइक्रो इकोनॉमिक लेवल